सर्वाशया स्वदिक् आत्माया गुणै विश्वम् आत्मानं सृजते प्रभुः. The living entity is eternal, imperishable, because he actually has no beginning and no end. He never takes his birth or dies. He is the basic principle of all types of bodies. Yet it does not belong to the bodily category. The living being is so sublime that it is equal in quality to the Supreme Lord. Nonetheless, because it is extremely small, he is prone to be illusioned by the external energy. And thus he creates various bodies for himself according to his different desires. Who is instructing whom? Narada is instructing Chitraketu. Now, ये जो शब्द हैं एक बहुत बड़े अथॉरिटी के हैं. नारद मुनि इज अ सन ऑफ ब्रह्मा. हिज बर्थ इज ऑल्सो नॉट ऑर्डिनरी. इज बॉर्न फ्रॉम द हार्ट ऑफ ब्रह्मा एंड ही हैज द पावर. करेक्ट. नारद मुनि के शब्द हैं. हु हैज स्पोकन दिस? नारद. कैन चेक एंड टेल मी. सो वी गिव लॉट ऑफ वैल्यू because these words are coming from an authority. They are extremely important words. कुछ शब्द ही काफी हैं पूरा जीवन आदमी का परिवर्तन करने के लिए. हम लोग ये समझने का कोशिश कर रहे थे कि ऐसा क्यों है कि समाज में लोग इस तत्व को नहीं समझ पा रहे. इतना तो है, समाज बहुत घमंडी है, अपने को बड़ा विद्वान समझता है और ये सब जान के ये भी समझ आता है. वेद व्यास इनको मूर्ख क्यों बोलते हैं? मंद सुमंद मतयो. कलयुग में लोग प्राणे अल्पायुषा सभ्या कलो उसमें युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपादितः. ये तो कलयुग के लोगों के लिए आभूषण बताया गया. उनके क्या है? मूर्ख, कोई बुद्धि नहीं है, मंद सुमंद मत, मंद भाग्य, बड़े दुर्भाग्यशाली.
मंद भाग्य एंड उपादिता, हमेशा उपादिता मतलब डिस्टर्ब को क्या बोलते हैं, हाँ हमेशा विचलित ऐसा मतलब स्थिति। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों है ऐसा लोग नहीं लेते हैं। अभी भी हम लोग जाते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाते हैं। जनरली जो यंग लोग होते हैं थोड़े ओपन होते हैं, वी ट्राई एंड समझ भी आता है तब भी वो स्वीकार क्यों नहीं करते, बिकॉज उसके इसके इसके अगेंस्ट तर्क नहीं एग्जिस्ट करता। यस्टरडे ओनली आई एम रीडिंग वन साइंटिस्ट सेज बी शॉक्ड, हिज वर्ड्स बी शॉक्ड दैट द सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स व्हाट वी थॉट टू बी कॉन्शियसनेस इज नॉट द कॉन्शियसनेस। मतलब दे आर अगेन एंड अगेन एक्चुअली कमिंग टू दिस कंक्लूजन, ये तर्क में आ रहे हैं कि हमारा जो विचार था कि ब्रेन में जो कुछ जो सेल मिला मुलू के आदमी को चित्त देते हैं वो मूर्खता है। बहुत लोग बोल चुके हैं लेकिन आगे बढ़ता नहीं है। ये सोच रहे थे ऐसा क्यों होता है। करें आदमी को भी किसी को बताओ कुछ छोटा तर्क, शरीर बदल रहा है तुम सेम हो, तो समझ आ सकता है मैं शरीर नहीं हूँ। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देह अंतर प्राप्ति धीरे सतरण मोहयति। ये मुश्किल आर्ग्यूमेंट नहीं है, इस एक आर्ग्यूमेंट में हो गया। इसके इससे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत भी नहीं है कि 100 आर्ग्यूमेंट लाओ 500 आर्ग्यूमेंट, जरूरत नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट काफ़ी है। लेकिन क्यों लोग नहीं समझते हैं उसके दो तरीके मेरे को समझ आए। एक चीज़ बोलते हैं पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर इज बेसिकली मतलब लोग अपने दोस्तों के धक्के में इंद्रिय भोग में घुस जाते हैं और लोग उसको बहका जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते और ना ही उसके दोस्त लोग उससे निकलने देते हैं। सब लोग एक दूसरे को ऐसे घसीटते हैं, इसको बोला जाता है पीयर प्रेशर। अब जब एक आदमी इस तरह की आत्महत्या, इसको आत्महत्या से भी खतरनाक माना जाता है। प्रभुपाद जी बोल रहे थे टू इंडल्ज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन पर्टिकुलरली टू ब्रेक द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स इज वर्स देन कमिटिंग सुसाइड। सुसाइड से भी बड़ा है वो। सुसाइड में तो चलो पाप बंद हुआ उस समय, ये तो उससे भी खतरनाक है, पता नहीं कहाँ जाएगा अभी आदमी। सुसाइड का ही पाप एंड होता है, बट शास्त्र प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो आत्महत्या करने से भी खतरनाक है। करेक्ट, इंद्रिय भोग करना मतलब इतना इतना भयभीत माना जाता है। और परीक्षित महाराज ने बोला है, क्या बोला है, फोर क्लास ऑफ पीपल निवृत्त तर्षय उपगीय माना भवो शदी श्रोत मनो अपि रामा कौतम श्लोक गुणानुमानान विना विरजेत पुनः विवजेत विना पशुगुणान। इसे चार तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। एक आदमी जो नारद मुनि के वचन सुनता है, अत्यधिक आनंद आ जाता है, क्या बोला है एक्चुअली। कि एक एक तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, इनके वचन सुन के या चित्रकेतु को पूर्ण सेल्फ रियलाइजेशन मिल रहा है। तो ये इट हैज बीन रिकॉर्डेड, ऑर्डिनरी लोग नहीं है, बड़े बड़े ग्रेट सेजेस, दे हैव द पावर, दे कैन गो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एंड रिकॉर्ड थिंग्स। ठीक है, एक चीज ये हो गया। और दूसरा चीज, दूसरा वेद व्यास जी भी श्रुति में भी हैं, वो भी किसी से सुने, वो भी किसी से सुना, तो जो मतलब जो वचन थे वो पहले कैसा था, एक बार ही सुन के आदमी को याद रहता था। तो जितने गुरु उधर हैं सबको याद रहता था, वो किसी को नेक्स्ट बताया वो नारद जी के वचन आ रहे हैं परंपरा में, तो वेद व्यास जी ने सुने, उसके पहले लिखने की जरूरत ही नहीं। तो पहला रीज़न ये हो गया कि चार तरह के लोग हो गए। तो एक आदमी को तो जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है अत्यधिक आनंद होता है, ऐसा आनंद कि वो खुशी हो जाती है, बहुत खुशी, जैसे कीर्तन में लोग नाचते हैं ना खुशी से, ऐसा खुशी होता है, मज़ा आ गया, वो होता है निवृत्ता। निवृत्ता मतलब उसको भौतिक आनंद की इच्छा नहीं है, निवृत्त नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, उसको बोलो कुछ नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए। अरे होता है ना, कोई आपको कुछ खाने को देता है, आपके बोलते नहीं 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 लेना, नहीं लेना, तो उसको भौतिक आनंद आप उसके पास नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए,
उसको ये कन्विंस हो गया। जिस दिन आपको ये कन्विंस हो जाएगा, हर स्टेप आध्यात्मिक का आपका स्टेप का आनंद ही मिलेगा। जब तक आप वैराग्य प्राप्त नहीं कर पाए तब तक आपका खुशी बात कह रहे, खुशी तब शुरू होता है। लोग सोते हैं इन लोगों को, इन चीज़ों को पकड़ के रखो खुशी होगा, इन चीज़ों को छोड़ दो खुशी शुरू होगा। सारा समाज क्या सोचता है आज के, वो बना रखे उन्होंने क्या वैलेंटाइन डे, क्या सोचते हैं ये सब चीज़ों को पकड़ो तो खुशी होगा, छोड़ दो खुशी तब मिलेगा। छोड़ो अवैध स्त्री सम तो छोड़ो तो खुशी मिलेगा, करो खुशी गया। एनीवे, सो देन वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस वे, वी हैव टू गिव अप। ये बहुत बड़ा चीज है, ये आसान नहीं है छोड़ना। संतों का आशीर्वाद नहीं होगा तो आप नहीं छोड़ पाओगे। आर कब निताय चंद क्या है आदर आगे, हाँ जब नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा, आर कब निताय चंद, अभी था नित्यानंद त्रयोदशी, आर कब निताय चंद करुणा होवे, व्हेन ही बिकम्स मर्सीफुल देन व्हाट विल हैपन, संसार भाषा न मोरा कबे तुच्छ होवे, देन द सेंस ग्रेटिफिकेशन बोले तुच्छ, अदरवाइज यू कैन नॉट डू, इट रिक्वायर्स ग्रेट मर्सी ऑफ आचार्यस, ग्रेट मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य नित्यानंद, देन वी कैन रिजेक्ट, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। यू थिंक इट इतना आसान है क्या? बड़े बड़े विश्वामित्र मुनि जैसे लोग फंस गए, हम क्या उनसे बहें करें? नहीं, हम कुछ नहीं है। बट इफ यू टेक प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रेट आचार्यस, ऑफ प्रभुपाद, ऑफ द ग्रेट सेंट्स एंड प्रे टू देम, प्लीज प्रोटेक्ट मी कंटिन्यूसली, वी शुड प्रे। आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम, एक ने प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी कभी कभी प्रार्थना करनी चाहिए क्या? तो प्रभुपाद जी इमीडिएट रिस्पॉन्स, तुम्हारा और कुछ काम नहीं है, एक ही काम है पूरे दिन प्रार्थना करो। कभी कभी प्रार्थना करने का और क्या करना है, यही करो, यही तुम्हारा काम भक्त। मतलब अगर आप कभी कभी भूल जाते हैं, भक्त का ड्रेस पहन लिया लेकिन किसी और भक्त को कोई पब्लिक देखता है क्या सोचता है? ये हमेशा प्रार्थना करता रहता भगवान का, और हमको भूल जाते हैं कि हमारा काम ही है, भूल जाते हैं कभी कभी, बहुत चीज़ में लग जाते हैं, ये भूल जाते हैं हमारा काम ही प्रार्थना है। कह रहे भगवान का सुंदर विग्रह प्रार्थना करो, भगवान क्या करें है? मन इंद्रिय भोग को नहीं छोड़ पा रहा, आप कुछ एक शक्ति दो इन चीज़ों से, तुच्छ उस दिन आपको आध्यात्मिक आनंद शुरू होगा। दो चीज़ साथ में नहीं ले सकते, ये तो बहुत आसान चीज़ है, आसान है समझना आपको। जब तक आप इंद्रिय भोग को त्याग नहीं कर पाओगे आध्यात्मिक आनंद की शुरुआत नहीं होगी। छोड़ो, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे वो आपकी प्रॉब्लम, ठीक है वो नहीं कर पा रहे तो दूसरी स्टेज में आ जाओ। भवौषधि, चलो हरि नाम करते हैं हम लोग, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, क्या होता है भवौषधि, वो एक दवाई की तरह काम करता है। धीरे धीरे अभी है इंद्रिय भोग की इच्छा जाएगी, दवाई की तरह ले लो, ठीक है ना, इसलिए कुछ लोगों को दवाई की तरह काम करता है, ठीक है। बट वी शुड सी दैट हमारा जो श्रवण है वो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। एवरी डे एटलीस्ट एक घंटा, मेरा विनती है सब लोग गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो। इट वॉज वेरी नाइस, आई रिमेम्बर सम डिवोटी वॉज वर्किंग नाइट, रात को 10 बजे 12 बजे तक। सो वन डिवोटी, सीनियर डिवोटी, वेरी नाइसली आस्क्ड हिम, किसने बोला आपको ऐसे काम करने का? प्रभुपाद जी ने तो बोला है नहीं, कह रहे थोड़ा हर चीज़ के लिए टाइम होना चाहिए, हर दिन एक दो घंटा ध्यान से प्रभुपाद की किताबें अध्ययन करो, ठीक है। तो ध्यान से, बहुत ध्यान से एक एक शब्द को पढ़ने का कोशिश करो। प्रभुपाद जी बोलते थे अगर आप हमारी किताबें नहीं पढ़ोगे तो गुरु अवज्ञा, ये गुरु अपराध है, क्योंकि वो इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं, तो प्रभुपाद जी भी सबके गुरु हैं, करेक्ट। तो कुछ टाइम वी शुड रीड। हमेशा क्या होता है, हम लोग आजकल ज़्यादातर कुछ फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, वो भी कृष्णा कॉन्शियस, उससे आपका प्रगति नहीं होगा। वो क्या एक लाइन से कुछ नहीं होता, ध्यान से पढ़ो तब आपको यू फील, देन यू विल फील कृष्णा, करेक्ट। आप समझ रहे हैं, जैसे अब कीर्तन होता है, अब आधा घंटा एक घंटा ध्यान से कीर्तन में बैठे तब मज़ा आता है, एक मिनट कीर्तन में ओ क्या मतलब, बैठो ना थोड़ा कीर्तन में, करेक्ट, समझ रहे। तो सेम भी प्रभुपाद की किताब, ये कीर्तन चल रहा है, भयंकर कीर्तन है, वो गा रहे हैं हम लोग सुन रहे हैं, उसमें बैठो तो थोड़ी देर, एक मिनट एक लाइन देखिए, उससे कुछ नहीं होगा।
हम लोग क्या शेयर करते हैं व्हाट्सएप फेसबुक, एक एक लाइन। प्रभुपाद जी ने इधर एक लाइन बोला, हाँ बड़ा अच्छा, 50 लोग लाइक कर दिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। बैठ के कीर्तन ध्यान से सुनो तब आपको आनंद आएगा, आप समझ रहे हो। ये तो प्रोत्साहन हो रहा है, अरे गीता पढ़ो देखो कितनी अच्छी अच्छी लाइन है उसमें, लेकिन बैठ के पढ़ो तो कह रहे। जैसे हम ट्रेलर, हमारा कीर्तन का हम लोग ट्रेलर डाल दें, एक मिनट का ट्रेलर डाल दें, ठीक अच्छा तो लगेगा, तो उससे आपको इन्विटेशन, संडे को आओ ऐसा कीर्तन होता है उधर, तो फिर आओ बैठो तब मजा आएगा ना, एक मिनट में क्या होगा। तो सिमिलरली लोग जनरली आधा लाइन, एक लाइन, प्रभुपाद जी ऐसा बोले एक लाइन, लाइक लाइक लाइक, ठीक है अच्छा है, मानते हैं अच्छा है, लेकिन ना बैठो तो उसको पढ़ो तो क्या फ़ायदा हुआ उसका प्रोत्साहन का, जब आप उस पर बैठोगे नहीं। क्योंकि प्रभुपाद की किताबों को पढ़ने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। अगर आपको गीता को पढ़ना है, एक घंटा हर दिन पढ़ो तो आपको 2-3 महीने लगते हैं उसको ख़त्म करने में। अगर आपको भागवत पढ़ना है कितना, 2 साल लग जाता है, 6 साल लगे, टाइम लगता है। जैसे आदमी मैंने बहुत लोग देखा है 100 साल हो गए, 100 साल नहीं हुआ किसी को, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, भागवत नहीं पढ़ा एक बार, क्या डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन के बिना ये किताबें नहीं पढ़ी जा सकती, कह रहे। एक टाइम कहते हैं दिन में सबसे सुंदर टाइम होता है जिससे हम एम्पावर होते हैं। जो प्रभुपाद जी ने साधना दी है ये आपको एम्पावर करती है, क्या करती है, एम्पावर, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। बाकी टाइम ऐसा होता है अलग अलग वैरायटी के, 4 तरह के टाइम बताए गए। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जिसमें हम एम्पावर होते हैं। तो सेम है प्रभुपाद की जो किताबें पढ़ रहे हैं आप एम्पावर हो रहे हैं। आप नाम जब कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन जब प्रभुपाद की किताबें पढ़ोगे ना नाम जब शुद्ध हो जाएगा, वो कृष्ण का नाम लेते ही आपको कृष्ण का स्मरण आएगा जो प्रभुपाद जी ने किताबों में दिया है। ग्रेट, समझ रहे ना, नाम में शक्ति है एक्चुअली वैकुंठ धाम ले जाएगा, लेकिन आप प्रभुपाद की किताबें पढ़ेंगे ना तो नाम जब आपका शुद्ध हो जाएगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु को चाहिए। नाम से तो भगवत धाम मिलता है ना, लेकिन आप शुद्ध नाम नहीं कर सकते गुरु के बिना, ठीक है। प्रभुपाद जी और उनके शिष्य हमें गुरु का काम कर रहे हैं, तो उनके गाइडेंस से क्या होता है, आपका नाम शुद्ध हो जाता है। इसलिए एवरीबडी शुड कीप, सो इट विल एक्ट लाइक भवौषधि। भोग की बहुत इच्छा है लेकिन सुन के क्या होगा, जस्ट लाइक प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, इफ यू लाइक, कितना विनती कर रहे हैं, इफ यू लाइक ये दुनिया छोड़ सकते हो, बट हम लोग नहीं छोड़ना चाहते, हमारी बहुत इच्छा है। इफ यू लाइक, इफ यू लाइक यू कैन कम, जस्ट लाइक किसी को इन्विटेशन करते हैं, वी आर इन्वाइटेड प्लीज कम, प्रभुपाद इज इन्वाइटेड, इफ यू लाइक यू कैन कम टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आपके ऊपर है। सो दैट इज वेरी नाइसली गिवन हियर। सो निवर्त तर्षय उपगी माना भवौषधि श्रोत मनो अभिरामा। थर्ड कैटेगरी मनोअभिरामा, उन लोगों को, बहुत लोग होते हैं जिनको साधना नहीं कर रहे, निवृत्ता तो संत लोग होते हैं जैसे, और हम लोग सब औषधि के रूप में साधना कर रहे हैं। एक और स्टेज आती है, थर्ड स्टेज, उन लोगों का कभी कभी फेस्टिवल बुलाते हैं, कभी बड़ा कीर्तन आ जाओ, कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, साधना करो ना, नहीं होता। संडे वी शुड डू दिस, प्रभु जी रिमाइंडेड, वी शुड आस्क कौन लोग पहली बार ही आयो, और उन सबको वी शुड गो गिव अ जप कार्ड एंड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू चैंट हरे कृष्ण, दे कैन परचेज अ जपमाला एंड स्टार्ट जपा। वी शुड पर्टिकुलरली फोकस देम सो दे फील इन्वाइटेड, तो वो नेक्स्ट टाइम भी आएगा। कौन कौन लोग पहली बार ही आया, सब लोग हाथ खड़ा किया, देन व्हाट वी डू, इनको गिव अ मंत्र कार्ड, प्लीज चैंट एवरी डे, एंड देन अदर पीपल, क्या होता है जो लोग बार बार आ रहे हैं उनको तो हर दिन बात होती है, उनके पीछे फंसने की जरूरत नहीं है, फोकस ऑन देम एंड इंट्रोड्यूस देम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज देव देव उनको क्या है ना, आप तो अपने वो जो ना हर उन जो बाकी लोग से उसी में गप में हम लोग लग जाते हैं, दे फील आउट ऑफ प्लेस। वी शुड फोकस ऑन देम, नॉट ऑन द पीपल हू ऑलरेडी नो, दिस शुड बी फॉलोड ऑन एवरी संडे एंड ऑल्सो ऑन फेस्टिवल्स। फेस्टिवल में भी आपस में बात करके खास रहे हम लोग, अरे नए लोग से बात करो। आई रिमेंबर जन्माष्टमी की रात में 500 पीपल आर देयर इवन डिनर के टाइम है उधर, करेक्ट, इतना लोग था, सब लोग आपस में ही हंस रहे हैं, अरे उनको बात करो ना, इतने लोग बैठे हुए, वेलकम देम, टॉक टू देम, करेक्ट, दैट्स व्हाट हैपेंस, द वीकनेस वी हैव, वी शुड नॉट हैव, अवर फोकस इज होल आइडिया ऑफ डूइंग एनी प्रोग्राम, वी ब्रिंग न्यू पीपल टू कृष्ण, मेक देम फील वेलकम, प्लीज कम, इट इज अ नाइस प्लेस लाइक दैट, बिकॉज दे आर इन द स्टेज ऑफ मनोअभिराम। आए क्यों हैं, उनको अच्छा लग रहा है, कैसा हुआ कीर्तन, बहुत अच्छा लगा, अरे जब करो ना, बताओ ना उनको, एटलीस्ट नो बडी टेल्स देम ऑल्सो, जब करो, आप भी जब कर सकते हो, एंड यू आर वेलकम है। एंड देन इज इज पशुघ्ना, पशुघ्ना मतलब जो अपना आत्महत्या कर रहा है, तो दोस्तों के संग में लोग सब आत्महत्या कर रहे हैं, इस चक्कर में लोग इस चीज़ को मान नहीं पा रहे,
नहीं तो आर्ग्यूमेंट तो बहुत सिंपल है. एक दूसरा चीज वेरी नाइस, आई वाज डिस्कसिंग ग्रुप थिंक. ग्रुप थिंक मतलब इंडिविजुअल थिंकिंग स्टॉप्स. बहुत कम लोगों को इस दुनिया में ये शक्ति है कि वो मन से सोचते हैं जो सोचना चाहते हैं. बहुत कम लोग हैं. भगवद गीता में कृष्ण जी क्या बोलते हैं, यदि आचरिति श्रेष्ठा तम तव एव तरो जना सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते. बहुत कम लोगों में शक्ति होती है अपने आप सोचें. यदि आचरिति श्रेष्ठा, जिसको वो लीडर मानते हैं, वो जो कर रहा है उस चीज़ को फॉलो करते हैं, उनको इतने अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है मैं ये करूँगा, मैं जो मैं चाहता हूँ, वो जनरली भेड़ की चाल में रहते हैं. ये मेन रीज़न है एक्चुअली. सोसाइटी, समाज में लीडर्स सब मूर्ख हैं. मूर्ख मतलब, मूर्ख भी बहुत कम शब्द, महामूर्ख हैं. इन महामूर्खों, भगवद्गीता में क्या, भागवत में क्या लिखा है, अंधा यथा अंधे उपनीयमाना. एक अंधा बाकी दूसरे अंधों को घसीट रहा है, सब गिरने वाले हैं खड्डे में. तो ये मूर्ख लोग से जो लीड होके जो सोसाइटी है उसको बहुत मुश्किल होता है. ग्रुप थिंक से निकालना आदमी को आसान नहीं होता, निकलने नहीं देते दूसरे लोग. आप समझ रहे हो, उसको सोचने भी नहीं देंगे. आप बताओ, जब तक उसके मन में कुछ, जैसे मेरे को याद है कॉलेज में जब मैं देखा था अपने दोस्तों को, हर वीकेंड का पार्टी होता दारू पीना. मैं इसका भाग नहीं हो सकता, मैं ऑलरेडी अलग हो चुका था उनसे, इसलिए आई कुड टेक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस. बट इफ आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ देम, इम्पॉसिबल टू ब्रेक. यू स्टार्ट ऑल्सो दे विल टेक यू बैक. एग्री? उसको बोलते हैं ग्रुप थिंक. वाई? आई डोंट थिंक इंडिविजुअली, आई थिंक वट द ग्रुप इज थिंकिंग. अपना सोच करने का लोगों को शक्ति नहीं होता. जो ग्रुप सोच रहा है या ग्रुप का लीडर सोच रहा है, आदमी वही सोचता है. हम लोग भी ये कर रहे हैं. हमारा लीडर प्रभुपाद जी हैं, करेक्ट, पूरे इंस्टीट्यूशन का, और हमारा भी ग्रुप है. हम जो ये सोचता है हम उसके पीछे चल रहे हैं, लेकिन इसमें सुरक्षा है. क्यों? ये परंपरा से आ रहा है. ये Krishna, Krishna, Krishna.